जबलपुर की क्राइम ब्रांच और थाना संजीवनी नगर की पुलिस ने चंदन कॉलोनी में दबिश देते हुए वनस्पति घी और सोयाबीन तेल में देसी घी का एसेंस मिलाकर अमानक घी बनाकर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 18 किलो डालडा, 8 लीटर तेल, 6 किलो 500 ग्राम घी, 11 किलो क्रीम, 2 चूल्हा गैस टंकी सहित गंज आदि जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जबलपुर की क्राइम ब्रांच और थाना संजीवनी नगर की पुलिस ने चंदन कॉलोनी में दबिश देते हुए वनस्पति घी और सोयाबीन तेल में देसी घी का एसेंस मिलाकर अमानक घी बनाकर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 18 किलो डालडा, 8 लीटर तेल, 6 किलो 500 ग्राम घी, 11 किलो क्रीम, 2 चूल्हा गैस टंकी सहित गंजा आदि जब्त करने की कार्यवाही की गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि चंदन कॉलोनी निवासी छटीलाल गुप्ता वनस्पति घी और सोयाबीन तेल में देसी घी का एसेंस मिलाकर कृत्रिम घी बनाकर विक्रय करते हुए अवैध लाभ अर्जित कर रहा है। सूचना पर बताए हुए स्थान पर दबिश दी गई। घर में मौजूद छटीलाल गुप्ता पिता मोतीलाल गुप्ता उम्र 44 वर्षीय निवासी चंदन कॉलोनी की तलाशी लेने पर छटीलाल गुप्ता के घर के एक कमरे में नकली घी बनाने 1 किलो वाले 18 पैकेट डालडा, सोयाबीन तेल के 1 लीटर वाले 8 पैकेट, पन्नियों में घी के 1 किलो वाले 3 पैकेट, 500 ग्राम के 6 पैकेट, 250 ग्राम के 2 पैकेट और 1 किलो के 11 पैकेट क्रीम सहित 5 लीटर एसिड की कैन भी जब्त की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गंजे में सोयाबीन तेल डालकर वनस्पति घी और देसी घी का एसेंस मिलाकर गैस भट्टी की सहायता से गर्म किया जाता है, जिसके बाद मिक्सर से मिक्स कर ठंडा होने पर तौलकर पन्नी में पैक कर दिया जाता है, जिसे उसके घर से अन्य फुटकर विक्रेता ले जाकर बाजार में बेचा करते थे। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पन्नी के पैकेटों में से सैंपल गुणवत्ता की जांच हेतु लिए गए, जिसे परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण शाला भोपाल परीक्षण हेतु भेजा गया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चंदन कॉलोनी में एक व्यक्ति अपने घर में वनस्पति घी और सोयाबीन तेल मिलाकर नकली घी बना रहा है, जिसकी सूचना पर खाद्य विभाग को सूचना दी गई। खाद्य विभाग द्वारा आकर वहां पर निरीक्षण किया गया और कार्रवाई कर थाना प्रभारी के नाम से आप प्रतिवेदन दिया गया, जिस पर से छट्टीलाल गुप्ता निवासी चंदन कॉलोनी का है, उसके ऊपर FIR कर कार्रवाई की गई है। कितना घी पकड़ा है नकली? लगभग 10 किलो घी है और बाकी 20 किलो जो है वो डालडा है और 9-10 पैकेट उसके तेल के हैं, सोयाबीन तेल के। लगभग इसमें कितने अपराधी लिप्त पाए गए हैं? अभी तक तो एक ही अपराधी है और आगे अब विवेचना चल रही है।